एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा वरी हो, आई कैन अंडरस्टैंड। जब मैं भी 12th में थी तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा लगता था कि कब एडमिशन होगा मेरा, ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग जानना चाहते हो कि एडमिशन कब होगा, कैसे होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिकॉज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एवरीवन वांट्स टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट मैं आपको बता दूँ, आप लोग प्लीज़ अभी वरी मत हो, बिकॉज अभी DU की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है इस ईयर की एडमिशन की। सो प्रीवियस ईयर की एडमिशन की जो भी नोटिफिकेशन थी, वो चाहे जिस भी चीज़ से थी, कट ऑफ से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैंने हर चीज़ आपको प्रोसेस से बताया था, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बताया था। तो अगर आप वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, जिसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर हर चीज़ की प्रोसेस बताई थी, तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे एडमिशन लोगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आप वो वीडियो देख लेना। सो उसके आगे का मैं बताऊँ कि अगर इस ईयर क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा, कैसे कट ऑफ जाएगी, क्या होगा क्या होगा, तो वो सब तभी होगा जब CBSE का एग्ज़ाम होगा। तो आप सब न्यूज़ देखते हो, आप सबको पता है कि CBSE का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है। तो अभी तो CBSE का एग्ज़ाम होगा नहीं, 12th की मैं बात कर रही हूँ। तो जब भी होगा तो उसके बाद ही DU के कट ऑफ भी आएंगे और DU में एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिकॉज DU जो है वो अपना हर काम CBSE के अकॉर्डिंग करती है। आप DU में पढ़ना चाहते हो, आप DU में अपनी फर्दर स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये बात, छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज यू विल हैव टू फॉलो दिस आइडिया, यू विल हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। सो आप DU में पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि DU हर काम अपना CBSE के अकॉर्डिंग करती है। यस मैम, जैसे ही CBSE का जब रिज़ल्ट आता है तो DU के रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाती है। अगर इनकेस अगर कुछ चेंजिंग हुआ, बिकॉज जितना CBSE का है अभी तक एग्ज़ाम तक नहीं हुआ 12th का, तो फिर रिजल्ट में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर एडमिशन में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सबका परेशान होना एक फैक्चुअल रीज़न है कि हाँ परेशान आप लोग हो सकते हो, बट आप लोग को इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज से समथिंग आपके हमेशा साथ था, है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए आपको इस से समथिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए DU के रिगार्डिंग आए, एंड आपके एडमिशन के रिगार्डिंग आए, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आए DU में, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इसी चैनल से समथिंग पे बताऊंगी। तो इतनी वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं कि मैम बता दो कि इस बार के एडमिशन कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ कैसे जाएंगे। तो अभी तो बहुत सारे स्टेट में भी इनफैक्ट एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक के। तो इसके लिए आपको थोड़ा इस बार वेट करना पड़ेगा, पिछले बार की तरह इस बार भी आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस बार भी डिले होगा इन सारी चीज़ों में। तो आपको अपने माइंड में ये सेटअप करके चलना होगा, बिकॉज जब भी CBSE का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही DU कोई भी एक्शन लेगी। इनकेस अगर DU पहले भी एक्शन ले लेती है, वैसे तो नहीं होता था, बट इस बार सब कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी सारी नोटिफिकेशन, आपको बता दूंगी जो भी होगा जैसे होगा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, डिटेल में बता दूंगी। एंड अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो, तो मैंने DU से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ें आप लोगों को सिखाई है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको से समथिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।